जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चौथा टेस्ट मुकाबला खेला जाने वाला है, तो उसके लिए आप सभी को मैदान पर कौन सी प्लेइंग 11 टीम नजर आएगी, उसके बारे में पूरी जानकारी खुद अजिंक्य रहाणे ने इंटरव्यू में आकर दी है, जहाँ पर उन्होंने बताया कि किस किस खिलाड़ी को किस किस वजह से बाहर करना पड़ा है और कौन से उनकी जगह पर नए नए खिलाड़ी भारतीय टीम में शामिल हो रहे हैं। तो इस बयान के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और वही दोस्तों, यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में भी बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि तीसरे टेस्ट मुकाबले को ड्रॉ करवाने के बाद आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम ने मारी लंबी छलांग। हुए ऐसे चौंकाने वाले बदलाव की देखकर आप भी रह जाओगे हैरान। तो दोस्तों, इस लिस्ट को भी आपको दिखाएंगे। और वही जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि तेज गेंदबाज श्रीसंत ने 7 साल बाद की घरेलू क्रिकेट में वापसी। मात्र इतनी गेंदों में ही चटका डाला पहला विकेट, बना दिया एक नया इतिहास। तो दोस्तों, इस बड़ी खबर के बारे में भी बताएंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं अगर आप भी भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अभी पूरी भारतीय टीम गई हुई है, जहां भारत जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले खेलती चली जा रही है और वैसे वैसे ही भारतीय खिलाड़ियों का चोटिल होने की सूची में भी काफी ज्यादा वृद्धि हो रही है। तो वही हम आपको बताएं कि भारतीय टीम के सबसे शानदार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी भारतीय टीम से बाहर हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, चौथे टेस्ट मुकाबले में जसप्रीत बुमराह भी अब मैदान पर आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो वही इससे पहले रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत भी चोटों की समस्या से जूझ रहे हैं और ऐसे में भारतीय टीम की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। तो वही हम आपको बताएंगे, सिडनी में जो टेस्ट मैच खेला गया उस मुकाबले को भारतीय टीम ने ड्रॉ कर दिया था और ऐसे में अब ये जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की 4 मैचों की सीरीज है वो 1-1 की बराबरी पर आकर खड़ी हो गई है। और चौथे टेस्ट मुकाबले में आखिरकार कौन सी टीम जीतेगी ये तो हमें तभी पता चलेगा जब मैच होगा, लेकिन अगर भारत को इस सीरीज को अपने नाम करना है तो उन्हें काफी ज्यादा शानदार प्लेइंग 11 टीम को मैदान पर उतारना पड़ेगा। तो जिसके चलते काफी भारतीय खिलाड़ी तो टीम से अब बाहर हो ही चुके हैं। लेकिन इसी बीच अजिंक्य रहाणे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए, जहां पर उन्होंने बताया कि आखिरकार चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए वो कौन सी प्लेइंग 11 टीम को मैदान पर उतारने वाले हैं। जी हां, अजिंक्य रहाणे ने यहां पर बात करते हुए बताया कि चौथा टेस्ट मुकाबला हम सभी के लिए जीतना काफी ज्यादा जरूरी है और मैं जानता हूं कि चौथे टेस्ट मुकाबले से पहले हमारी टीम को काफी ज्यादा बड़े बड़े झटके लगे हैं। रविंद्र चंद्रन, अश्विन, जडेजा और जसप्रीत बुमराह भी अब हमारी टीम में नहीं खेल पाएंगे, जिसका मुझे काफी ज्यादा अफसोस है, क्योंकि ये खिलाड़ी हमारी टीम में होने बहुत ही ज्यादा जरूरी थे। अगर ये खिलाड़ी चौथे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की टीम हमें जरूर कमजोरी समझेगी, लेकिन उसके लिए भी हम पूरी तैयारियां करने में जुट गए। वहीं अजिंक्य रहाणे ने फिर आगे बात करते हुए बताया कि चौथे टेस्ट मुकाबले को जीतना हमारे लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना इस सीरीज को जीतना है। अगर हम चौथे टेस्ट में हार जाते हैं तो ये शायद हमारी टीम के लिए सही नहीं होगा, जिसके चलते मैं चाहता हूं कि चौथा टेस्ट मुकाबला हम किसी भी हाल में जीतें। तो वहीं दोस्तों, फिर आगे अजिंक्य रहाणे ने बात करते हुए बताया कि चौथे टेस्ट मुकाबले में हमारा इरादा है कि हम इन बल्लेबाजों और गेंदबाजों को मैदान पर उतारे। जी हां, फिर आगे अजिंक्य रहाणे ने बात करते हुए बताया कि कौन सी प्लेइंग 11 टीम के बारे में वो विचार कर रहे हैं जो कि चौथे टेस्ट मुकाबले में उतरेगी। यहां पर उन्होंने नाम लिया रोहित शर्मा और शुभमन गिल का, जो कि भारत की तरफ से ओपनिंग करेंगे। तो वही मिडिल ऑर्डर में उन्होंने चितेश्वर पुजारा, अपना खुद का नाम ऋषभ पंत और रिद्धिमान साह का नाम शामिल किया है। तो वही उन्होंने गेंदबाजी में कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज और टी नटराजन को शामिल किया है। तो ऐसे में दोस्तों, यहां पर अश्विन के ऊपर भी उन्होंने कहा कि अश्विन का खेलना तभी तय हो पाएगा जब वो अपनी चोट से रिकवर कर लेंगे। अगर वो आने वाले दिनों में रिकवर नहीं कर पाते हैं तो उनकी जगह पर कुलदीप यादव को मौका दिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, यहां पर भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा गंभीर समस्या है और अजिंक्य रहाणे तो चाहते हैं कि ये प्लेइंग 11 टीम वो मैदान पर उतारें। लेकिन अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्या जो अजिंक्य रहाणे ने प्लेइंग 11 टीम चुनी है, क्या इस प्लेइंग 11 टीम के साथ भारतीय टीम जीत हासिल कर पाएगी या फिर नहीं चौथे टेस्ट में? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, तेज गेंदबाज श्रीसंत ने 7 साल बाद की घरेलू क्रिकेट में वापसी। इतनी गेंदों में चटकाया पहला विकेट। जी हां दोस्तों, श्रीसंत ने अपने प्रतिबंध के बाद सोमवार को 7 साल बाद क्रिकेट में वापसी की और श्रीसंत ने केरल के लिए अपने सैयद मुश्ताक अली T20 मैच में पोंडिचेरी के खिलाफ मैच खेला, पर उन्हें अंतिम मैच खेले हुए 7 साल हो चुके थे। लेकिन इसी बीच श्रीसंत ने अपनी वापसी पर अपना पहला विकेट हासिल करने में मात्र सिर्फ 7 गेंदें ही ली, यानी कि उन्होंने केवल 7 गेंदों में ही अपना पहला विकेट हासिल कर
कर लिया और इस मैच में उन्होंने टोटल मिलाकर 3 विकेट हासिल किए, जिसे देखने के बाद हर कोई उनका फैन भी जरूर खुश हुआ, क्योंकि श्री संत ने लगभग 7 साल बाद क्रिकेट की दुनिया में एक बार फिर से वापसी कर लिया। लेकिन अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि श्री संत को मैदान पर खेलते हुए आप भी देखना चाहते हो या फिर नहीं। आप अपनी कीमती राय विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जहां पर इस टेस्ट सीरीज के 3 मुकाबले अब तक सफलतापूर्वक खेले जा चुके हैं। जहां पर पहले टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत हासिल करी थी, तो वहीं दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए जीत हासिल करी और तीसरे मुकाबले को भारतीय टीम ड्रॉ करने में सफल हो पाई, जिसके चलते अब ये जो 4 मैचों की टेस्ट सीरीज है वो 1-1 की बराबरी पर आकर खड़ी हो गई है। और अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि जो 4th टेस्ट मुकाबला खेला जाने वाला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उस मुकाबले को कौन जीतता है, क्योंकि उस मुकाबले को जौन सी भी टीम जीतेगी वही इस ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज पर अपना कब्जा कर सकेगी। तो वही हम आपको बताएं कि जो भारत और 4th टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम खेलेगी या फिर नहीं। लेकिन बीसीसीआई ने 3rd टेस्ट मुकाबले के बाद ये साफ कर दिया कि 4th टेस्ट मुकाबले को भारतीय टीम 15 जनवरी से खेलने के लिए गावा यानी कि ब्रिस्बेन के मैदान पर जरूर जाएगी, जिसके चलते अब हर किसी की निगाहें इस 4th टेस्ट मुकाबले के ऊपर होंगी। तो वही हम आपको बताएं कि 4th टेस्ट मैच के लिए भारतीय प्लेइंग 11 टीम में काफी बड़े बड़े बदलाव किए जाएंगे, क्योंकि जैसा कि हम सभी ने देखा 3rd टेस्ट मैच में ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा को भी चोट लगी थी, तो वहीं रविंद्र जडेजा तो टीम से बाहर कर ही दिए गए हैं। हालांकि ऋषभ पंत आप सभी को मैदान पर इस बार खेलते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि उनकी इंजरी कुछ इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है। तो वहीं आइए चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार 4th टेस्ट मुकाबले के लिए कौन सी प्लेइंग 11 टीम आप सभी को मैदान पर उतरती हुई दिखाई देने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों जो गेंदबाजों के नाम रखे गए हैं टीम में, उसमें शामिल होंगे रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। और वहीं बात करें ओपनिंग बल्लेबाजों की, तो दोस्तों ओपनिंग बल्लेबाजी में आप सभी को रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर भारतीय टीम की कमान संभालते हुए नजर आने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों यही होगी पूरी भारत की प्लेइंग 11 टीम, जो कि आप सभी को 4th टेस्ट मुकाबले में मैदान पर उतरते हुए दिखाई देने वाली है। लेकिन आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस प्लेइंग 11 टीम के साथ भारतीय टीम 4th टेस्ट मुकाबला जीतने में कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, जीत के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे ने की पंत, अश्विन और बिहारी की जमकर तारीफ, कहा कुछ ऐसा कि जीत लिया हर किसी का दिल। जी हां दोस्तों, 4th टेस्ट मुकाबला जीतना काफी ज्यादा मुश्किल दिख रहा था, तो वहीं फिर भी भारत ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस योद्धा वाली यह हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।